ठीक है, ये भाई 3,000 की पड़ी थी मेरे को, ये लाइट माइनस वाली ना, मिंडा ही चाहिए भाई हमें तो। खोलना है बस, खोलना यार, बड़ी तो भाई काफी है यार। सही है यार, ये बैटरी ये पीस लगा दूंगा बैटरी को, इनमें देख फ्यूज वगैरह भी है, लाइट शॉर्ट भी नहीं होगी, देख देख फ्यूज है इनमें, जो ओल्ड मॉडल है उसमें ज्यादा ही लाइट होगी, तो रिले अब लगनी जरूरी है। पावर हमें थोड़ी ऐसा लगे कि भाई कम है, फिर हम दूसरी बैटरी उसमें इंस्टॉल कर देंगे। रात को मैंने ये जला के देखी थी, तो भाई इनका नाम है मिनी प्रोजेक्टर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई कल के अपने व्लॉग में तुमने देखा होगा, हम देख के आए थे भाई थार, थार रॉक्स। तो कल ही ना मेरा भाई एक पार्सल आया, वो है ये, मैंने मंगाई भाई अपनी ओल्ड मॉडल के लिए एच ए जी की लाइट्स। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो भाई शेखर भाई इतनी लाइट लगा रखी है ओल्ड मॉडल में, अब इन लाइटों की क्या जरूरत है। भाई जरूरत है, पता क्या, अपनी जो हेडलाइट है ना भाई, ये थोड़ा कम उजाला देती है, जैसे रात में रात अभी कभी चले जाते हैं हम इसको लेके, तो थोड़ा कम देती है उजाला, क्योंकि वैसे उजाला तो इसको बहुत तेज है, बट मैंने इस पर ना वो करा रखी है ना स्मोक, मैंने इस पर स्मोक करा रखी है ना, ये वाली जगह हो भी रखी है, तो इससे ना भाई थोड़ी इसकी जो उजाला है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ फिर तो बहुत ज़्यादा है, पर ये लगाना ना थोड़ा ज़रूरी है, ये जो स्मोक इस पर मैंने करवा रखी है। अभी फ़ोन गिर जाता भाई, अभी फ़ोन गिर जाता, देखो भाई ये स्मोक करानी इस पर ज़रूरी है। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना तो ये थोड़ी वाइट वाइट सी चमकती है, और स्मोक इस पर लगा के रखता हूँ ना थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी दिखती है, थोड़ी मतलब अच्छी लुक आती है ना। तो इसकी थोड़ी लाइट मेरे को कम लग रही थी, तो मैंने सोचा यार इसमें ना कोई लाइट लगाई जाए, तो मैंने मंगाई ये एच जे जे की। मैं कल इसकी पैकिंग मैंने खोल दी, कबीर ने खुलवा दी, वो रोने लगा कि मैं देखूँगा क्या है क्या है, तो तब मेरे को खोलनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे सामने ही इसको अनबॉक्सिंग करता बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर। और एच जे जी भाई देखो देता है, देखियो डब्बे वब्बे दे रहा भाई साथ में, और जो ये हेडलाइट थी ना इसके साथ भी डब्बा आया था ये वाला, और RX के लिए जो मैंने हेडलाइट मंगाई लाया था ना उसके भी साथ डब्बा आया था, वो सारी एच जे जी की है, ये भी एच जे जी की जेन्युइन। ठीक है, ये भाई 3,000 की पड़ी थी मेरे को ये लाइट माइनस वाली। बाकी गाइस लाइट ना भाई एक साल तो हो गया मेरे ख्याल से इसको ना, बट हो जाएगा, सर्दियों में ही तो बनाई थी, एक साल हो जाएगा इसको, पर बढ़िया चल रही लाइट में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बढ़िया एकदम। तो लाइट तो ये भी बहुत तगड़ी है, रात को मैंने ये जला के देखी थी, ठीक है बहुत तगड़ी लाइट है भाई सही में, और तुम्हें बाकी जला के दिखा दूंगा। अभी मेरे को ना इनकी प्लेसमेंट नहीं समझ में आ रही कहाँ पे करूँ। देखो यहाँ पे इंडिकेटर लगा रखे हैं अपने, यहाँ पे वो लाइट है, मतलब सारी में ना लाइट ही लाइट है, बट मैं इनको कहीं ऐसे लगाना चाहता हूँ जहाँ पे भाई ये दिखे ना, समझ रहे हो, बहुत ही कम दिखे, दुबकी रहे, है ना, क्योंकि ज़्यादा लाइट दिखेगी ना यार तो वो छपरी वाली हो जाती है ना, मतलब लाइट ही लाइट लाइट लाइट, तो ज़्यादा लाइट मेरे को इतनी पसंद है नहीं, इसलिए मैंने स्विच अलग किया था इन लाइटों का, ये जो पिंक वाली लाइट है ना इनका स्विच मैंने इसीलिए अलग किया था, वरना ये पार्किंग के साथ जलती थी, जैसे पार्किंग जली है ना ये वाइट वाइट हो गया, अब ये देख रहे हो हेडलाइट पे वाइट है और ये अपनी पार्किंग बल्ब भी वाइट हो गए, तो ये अच्छे लगते हैं। जब कभी भाई अपना मन करे रोड पे लेके निकलते हैं तो अपना ये वाली जला दो, ठीक है, और इंडिकेटर्स के अपने मैंने लगाए रखे हैं, देख रहे हो इंडिकेटर, और हाँ ये पार्किंग के साथ है, ये टेल लाइट है ना जो, ये मैंने पार्किंग के साथ लगा रखी है, और वैसे भी यार पार्किंग के साथ ही रहती है, पीछे की जो रेड लाइट रहती है ना, तो ये तो पार्किंग के साथ ही अच्छी लगती है, तो इन सब के मैंने स्विच अलग रखे हैं, बट ये वाली जो लाइट है ना इसको करूँगा मैं हेडलाइट के साथ। ये मतलब लो बीम पे तो भाई चलेगी ये येल्लो, ठीक है, अब जैसे लो बीम है इस पे चलेगी ये येल्लो ये वाली लाइट, और हाई बीम पे चलेंगी वाइट, जैसे हाई बीम करा तो फिर चलेंगी वाइट। अब इसका हाई बीम है, देख रहे भाई लाइट बहुत तगड़ी है वाकई में भाई, बट थोड़ा दिक्कत ये है मैंने इस पे स्मोक करा रखी है, स्मोक करानी थोड़ी ज़रूरी है यार, वो बगैर स्मोक की अच्छी नहीं लगती। तो अभी का सीन कुछ ऐसा भाई, मैं जा रहा हूँ एक बार मार्केट, क्योंकि एक तो मेरे को लेके आनी है इनकी रिले, ठीक है लाइट वाली रिले लेके आनी है, क्योंकि भाई अपनी बुलेट में ना भाई लाइट वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, तो ना दिक्कत होती है, अब बैटरी थोड़ी छोटी पड़ती है तो थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत तो क्या ही होती है, पर ना इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिल पाती जितनी भाई मिलनी चाहिए लाइट को, तो ये दिक्कत हो रही है। और ये कबीर हराम ही आ चुका है, इसने भाई कल लाइटों की अनबॉक्सिंग करवाई थी। हाँ भाई सुन, ये जो मैं लाइट लेके आया था तूने कराई थी ना इनकी अनबॉक्सिंग, तूने खुलवाई थी है ना, वरना हाँ तू उसको छेड़ मत, अभी उसमें बहुत सारे टूल है इसके, ये देख रहे हो भाई बहुत सारे टूल है इसके, इसमें छेड़ियो मत तू कुछ भी वरना ये लाइट लगेगी नहीं। अरे भाई
भाई गिर जाएगी, छोड़ दे। हाँ अच्छी तो है, अब तो छेड़े मत इनको, इनको रख देता हूँ यार, ये कर देगा कांड। जा तू, तेरी तो बात ही खत्म नहीं होती भाई, इसकी बात ही खत्म नहीं होती। तो सीन कुछ ऐसा भाई, हम जा रहे मार्केट, मैं लेके आऊंगा इनके लिए रिले, एक हॉर्न की रिले आती है, एक रिले आती है भाई लाइटों की, ठीक है। वो ज्यादातर भाई गाड़ियों में यूज होती है, बट हम यूज करेंगे उसको बुलेट में अपनी, ये ओल्ड मॉडल, ठीक है। तो रिले लेके आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको ना पूरी पावर नहीं मिल रही है, जितनी भी पावर इनको मिलनी चाहिए ना लाइट वगैरह को। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम भाई, फोन आ गया था बीच में ना, मेरे को ये बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, मैं जैसे ही व्लॉग बनाता हूँ ना फोन आ जाते हैं, तो वीडियो एकदम कट हो जाती है। तो गाइस हम थे लाइट पे और लाइट के साथ रिले पे, ठीक है। अपनी जो हेडलाइट है ना भाई, 110-120 वॉट की है, बट इसको ना पूरी पावर नहीं मिल रही है, 110-120 वॉट जितनी भी है वो पूरी नहीं मिल रही है, वो देगी इसको भाई रिले जो हम आज लेके आएंगे, और फिर जलेगी और तेज, हेडलाइट भी और तेज जलेगी। और अपनी जो एजेजे की हमें, इनका नाम है मिनी प्रोजेक्टर, ठीक है, वैसे इनको लाइट ही बोलते थे नॉर्मली, पर मिनी प्रोजेक्टर इनको कहते हैं। और ये भी फिर तेज जलेंगे जब इनमें रिले लग जाएगी, ठीक है। और दूसरा भाई, अभी सिंगल बैटरी है, बट बहुत जल्द मैं इसमें भाई डबल बैटरी भी करना चाहता हूँ। बैटरी वाला प्रोजेक्ट अभी थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं, और रिले लेके आते हैं और फिर तुम्हें दिखाते हैं भाई फाइनल लुक रात को, ठीक है। अभी निकलते हैं अपना, और हम लेके जा रहे हैं i10 को। हल्ला भाई, भाई अपना i10 को लेके जा रहे हैं, और AC चला दिया यार, गर्मी तो भाई थोड़ी पड़ने लगी है उस्ताद, तब तक थोड़ी बारिश कम हुई है। चलो भाई, बाकी गाइस निकल रहे हैं, और क्या क्या लाना वो मैंने तुम्हें बता दिया है। मेन चीज पता क्या है जिसको मैं लेने जा रहा हूँ, एक तो भाई जिम की मशीन का बैरिंग, वो बैरिंग टूट गया उसका, ठीक है, जब उसको डालूंगा ना जब दिखाऊंगा तुम्हें कौन सा वो बैरिंग है, और मैं पहले भी लाया था ऐसी बैरिंग, एक जिम का बैरिंग है, और दूसरा भाई लाइट की, वो बुलेट की जो लाइट मैं लेके आया हूँ ना उसकी वायरिंग, और रिले वो साथ में आती है, ठीक है। बहुत बड़ी वायरिंग होती है वो, तुम्हें दिखाऊँ मैं, वो होती तो ऐसे गाड़ियों की है, बट हम उसको बुलेट में यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे यूज़ करेंगे वो सब दिखाएंगे। और भाई कल थार देख के आए थे उस्ताद, भाई कितना, कैसी है गाड़ी, एक नंबर है भाई, गाड़ी एक नंबर है, पर मैं बता उसका इंतजार कर रहा हूँ, एक बार वो रोड पे निकले, और रोड पे निकले तो एक दो गाड़ी भाई मॉडिफाई, जब एकदम भाई देखते पता चल जाएगा कि ये जो थार है, थार रॉक्स कैसी बनेगी, है ना, तभी पता चलेगा। अभी तो उसमें स्टॉक टायर है, उनमें ना कुछ मतलब प्रॉपर पता चल नहीं रहा है कि हम जैसे इसको बनवाएंगे वो बन पाएगी या नहीं, वैसे बन जाएगी, है ना। तो भाई अभी जिम के एक तार और एक दो चीज़ और ली है, अभी बैरिंग वगैरह बाकी रह रहे हैं, और वो चीज़ें क्या हाल है। ठीक है भाई, बैठ गए यहाँ से, हम टैक्सी में चलाते गए थोड़ा गाड़ी, फ्री सेवा, 100 रुपए ले लूंगा, फ्री सेवा ना जी, हम 100 रुपए लगेंगे, चेक काटूंगा तो कुछ भाई 100 तने मना कर दिया, अब 150 होगा। चलो मैं कहते रहा चेक काटूंगा, पेनल्टी लग गई ना, पेनल्टी लग गई भाई, मना करने की, तो ऑफ कैमरा है 100, वही तो ऑफ कैमरा 100, अब तने बोल दी ना, अब रेट बढ़ा दिया यार। बैरिंग और लेने उस्ताद, मैं यहीं से लेके आया था भाई एक बार, मेरी याद नहीं आ रही वो शॉप, तिकोण पार्क ले गो मैं शायद। अरे भाई भाई यहाँ तो लियो मैंने बैरिंग, अब आएगी तो कौन पता हूँ कौन है, मैंने बताई। अरे अभी तो देखी मैंने, एक तो इतनी सारी दुकान है भाई, टाइट भाई तो नहीं बंद हो गए, ओके गेट पे वो ये रही ना SKF चीज आई कहता है, ले भाई दुकान तो यार वो दिन हम आंटी तो लड़ाई करके जब भाई बैरिंग वगैरह ले ली भाई, कहाँ वो बैरिंग दिखी है भाई, भाई अपना मशीन वगैरह के ना बैरिंग इतने आते नहीं है, और या तो फेंक देते इधर फेंक देते यार, वैसे मशीन वगैरह के ना भाई बैरिंग आते नहीं है, पर ये कंपनी है ना जो SKF, यहाँ पे शॉप है भाई फरीदाबाद में तिगोना पार्क, और यहाँ पे मतलब कोई भी छोटा सा और बड़ा भाई कोई भी बैरिंग ले लो, कोई भी है भाई, पर भाई थोड़े कॉस्टली पड़ते, कभी ये सोचो महंगे पड़ते, 250 रुपये का एक बैरिंग है, अब सोच तू 250 के 2000 ले भाई महंगे, कोई नहीं, पर भाई मैंने ले इसलिए ले इतने महंगे, मैंने कहा यार इतने महंगे तो भाई कुछ तो फ़ायदा होएगा ही, कुछ तो क्वालिटी होएगी, है ना, मैंने कहा यार जिम की मशीन में चलना यार, वेट वगैरह होते ही उनमें, अच्छी चीज़ ले जाए भाई जो बढ़िया चले, हमारे मानो भाई वैसे ज़्यादा वेट मारते हैं, वरना नकली ले लेता 10 दिन चलता फिर ख़राब हो जाता उसमें, जैसे गेनर, तो इस चक्कर में मैं बढ़िया ही लेता हूँ, और एक मशीन और उसके लिए भी मैं यही लेके गया था भाई, बढ़िया चल रही है अभी, वो अभी लेनी है मेरे को भाई अपनी बुलेट की, वो लाइट है जो उसके लिए वो रिले वाली वायरिंग, अभी यहाँ पे कोई
गाड़ी की इलेक्ट्रिक वाली वो देख रहा हूँ शॉप कहीं पे मिल जाए। मुंबई वाले पे जाना है। हाँ वहीं देखेंगे भाई मुंबई इलेक्ट्रिक ना बॉम्बे इलेक्ट्रिक बॉम्बे इलेक्ट्रिक्स यहाँ पे नहीं है ब्रो गली में। अरे यार यहाँ तो निकल जा भाई पहले। अच्छा ये गली बंद होगी क्या? चल तो कोई नहीं भाई आगे तो ले लेंगे यार कोई चक्कर नहीं। ले भाई और कुछ लेना है? मैं और कुछ नहीं ले रहा। टाइम हो गया भाई अपना 3:01। कोई गाड़ी ना उड़ा दो। एक दिन एक लड़की उड़ा दी मैंने। ये ब्रेजर पेंट में बर्गर पेंट। एक दिन एक लड़की उड़ा दी भाई मैंने सही में। जिन नचा दी। मैं यू टर्न ले रहा हूँ भाई टायर वहां एक टकरा गई भाई। मार्केट तो बंद है रोस्ता आज छुट्टी है सर बॉम्बे से मतलब। ना मिंडा ही चाहिए भाई हमें तो। खोलना है खोलना। और कौन सी कंपनी आवा है बढ़िया? या तो बढ़िया है कोई फिलिप्स देखिए भाई यार बड़ी तो भाई काफ़ी है यार। बाइक में यूज़ करनी है हो जाएगी। अरे भाई फाइनली भाई अपना वायरिंग ले ली है भाई। खोल के दिखाइए कि फिर अब तो खोल रहा है। जब तो भाई हमने ली नहीं है ना भाई अब पैसा वैसा दे दिया अब खोल रहा है भाई। वायरिंग तो इतनी बड़ी है जितनी बुलेट की पूरी वायरिंग होती है ना इतनी बड़ी तो खुद ही है। खुली पड़ी हुई है खोलने कहा वही तो कह रहा हूँ मैं। मैंने भी देखी मैंने यार खुल तो रही है वायरिंग भाई पर कोई नहीं भाई। अभी भाई मेरे को ना इसमें थोड़ी काटा पीटी वैसे करनी पड़ेगी पर मैं बहुत ही साफ सफाई से इसमें काटा पीटी करूँगा। जैसे कि स्विच है ना इसमें दो है ये कपलर देख रहे हो ये दो है पर मेरे को चाहिए एक। देखो कितनी बड़ी है सही है यार। ये बैटरी ये पीछे लगा दूंगा बैटरी को वहाँ इनमें देख फ्यूज वगैरह भी है। लाइट शॉर्ट भी नहीं होगी देख देख रहा है ये देख फ्यूज है इनमें। अगर कोई फॉल्ट होता है तो लाइट एकदम बंद हो जाएगी भाई फ्यूज उड़ जाएगा क्योंकि सही है ना। क्योंकि यार अपनी बुलेट में भाई ज़्यादा ही लाइट होगी कुछ अपने जो ओल्ड मॉडल है ना उसमें ज़्यादा ही लाइट होगी तो रिले अब लगनी जरूरी है। और बैटरी भी अब लगाऊंगा उसमें एक और बैटरी डबल बैटरी वही तो। और उसकी जो वो है ना उसके साइड के जो टूल बॉक्स है वो भाई खाली है उसमें एक बैटरी रख देंगे। अभी घर जाके एक बार मैं उसकी बैटरी निकाल के उसमें लगा के देखूंगा क्या उसकी दूसरी बैटरी लग सकती है तो लग जाएगी तो देखेंगे फिर दूसरी बैटरी लगाएंगे। पर अभी ना रिले लगाएंगे। अगर रिले से हमारा बढ़िया काम चल गया ना पूरी पावर मिल गई लाइटों को तो फिर देखते हैं फिर मुश्किल है लाए वो बैटरी लगानी। अगर थोड़ी पावर हमें थोड़ी ऐसा लगे कि भाई कम है फिर हम दूसरी बैटरी उसमें इंस्टॉल कर देंगे। बाकी गाइस एक दो फटीक और उनको और निपटा के फिर अपने घर चलते हैं। कुछ थोड़ा बहुत खा पी गया भाई। हाँ भाई जाते जाते घरों की जो फटीक है ना वो बुरी लगा है भाई वरना अब तक तो मैं घर भी पहुंच जाता। अभी 3-4 कॉम निमटे हैं अब और बहुत कॉम यही तो दिक्कत हो रही है। हट जा आईटी का हट जा उड़ा दूंगा नहीं मैंने एक कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ भाई MRP बता दूं तो भाई 600-650 रुपए कुछ की है 700 की मान के चलो। ऑनलाइन डिस्काउंट था भाई वो 800 ऑनलाइन मंगाओगे थोड़ी महंगी पड़ जाएगी भाई। ऑनलाइन पता कितने की हुई ऑनलाइन थी 1000 रुपए की मैंने देखी थी अमेजोन पे 1000 रुपए की थी। मैंने कहा भाई अपने पास में ही है अपने यहाँ पे मिली जाती मुझे पता है इसलिए मैं आया था इसको लेने। यहाँ पे चाचा खड़े चाचा देख रहे भाई चाचा मीन्स पुलिस वाले देख रहे थे हमारी गाड़ी में कटन्स लग रहे हैं। अरे काली गाड़ी जा रही काली काले लोग काली गाड़ी यहाँ ना मिल जाओ चाचा यहाँ चौकी है भाई यहाँ मिल जा रोक लेंगे। अरे ना रोक मैं बैठा ना बात करता अच्छा एक आप कह दो भाई गर्मी लग रही है हमारे लगा दिए फिर कहेंगे हम जो पूरे दिन गर्मी में मरे कहूंगा मैं सैलरी ले रहे तो मैं पिछोन लिया ना भाई चल रहन दे यार देखो अब भी देख रहा ज्यादा नहीं छेड़नी चाहिए पब्लिक बेकार होते नहीं पीट भी दे चीकू ये ठीक है ये तैयारी मैं देख लियो तू तैयारी भाई कोई ना यार किसी की तो होगी। अरे सही है गरीब आदमी है फाइनली भाई अपना घर पहुंच चुके हैं अपना जो भी सारा सामान है वो उतार लेते हैं और जल्दी से भाई अपनी जो वायरिंग है ना ये लगा के देखते हैं ना दिखाते हैं तुम्हें भाई लाइट अब इस लाइट में कुछ फर्क पड़ता है या नहीं सोने में कितना सारा